दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि इन पहाड़ों में इतना सुकून क्यों मिलता है? इन पहाड़ों में जाने के बाद वापस आने का मन क्यों नहीं करता है? बचपन से ही एक मेरा सपना था कि बड़ा हो जाऊंगा तो इन पहाड़ों में जाऊंगा और उन्हें जी भर के देखूंगा, और वो दिन आ चुका था। आज मैं हूँ जम्मू कश्मीर के कटरा में, जहाँ माता वैष्णो देवी का तीर्थस्थल है। मैं कल दर्शन के लिए जाने वाला था, इसलिए आज बस में बैठा और निकल चला कटरा दर्शन के लिए। मुझे पता चला पास ही में एक शंकर जी की प्राचीन गुफा है। बस में बैठ के आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चला जा रहा था, खिड़की से निकल के झांकते हुए इन पहाड़ों को, इन रास्तों को देखते हुए, और सामने बस में से लटकते हुए भैया को देखते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ दुकानें आई, मार्केट आई जहाँ पर बस रुकी हुई थी। इन दुकानों को देखते हुए एक मन में अलग ही उल्लास था। पहली बार मैं पहाड़ों वाले एरिया में गया था और इन पहाड़ों पर ढलान की तरह सीढ़ीदार खेती हुई थी। इन खेतों को देखने के बाद एक अलग ही मन में जिज्ञासा होती थी उन खेतों में जाने की। मन तो करता था अभी बस रुकवाऊँ और उतर जाऊँ और घूमूँ जी भर के, लेकिन मैं जा रहा था शिव जी की गुफा का दर्शन करने के लिए। बस से उतर चुका था, रास्ते में कुछ टूटे फूटे रास्ते दिखाई दिए जिनसे पैदल हमें जाना था। पास में ही एक झरना था जिसकी खूबसूरती जबरदस्त थी। हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद धनसार बाबा के मंदिर तक पहुंच गए। धनसार बाबा के मंदिर के चारों तरफ काफ़ी सुंदर दृश्य था। अब हम आगे बढ़ रहे थे ताकि हम उस प्राचीन गुफा का दर्शन कर सके जिस गुफा को देखने के लिए हम इतने दूर से गए थे। चारों तरफ का दृश्य काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हमें बताया गया कि गुफा में दर्शन के लिए आखिरी समय आ चुका है, इसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लोग अंदर की तरफ जाने लगे जिसकी सुरक्षा के लिए जाली बनाया हुआ था क्योंकि वहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा थे। हम आगे बढ़े और गुफा की रास्तों में झुकते हुए चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। लोग हमारे आगे भी थे जो एक एक करके दर्शन कर रहे थे, और साइड में ही वो बाणगंगा नदी निकल रही थी जिसका झरना हमने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, आगे वीडियो में दिखाएंगे। पत्थर काफ़ी ठंडे थे क्योंकि पहाड़ के पत्थर थे और इन्हीं पहाड़ों में से वो झरना निकल के आ रहा था, इसलिए ये जो सामने पत्थर है काफ़ी ज़्यादा ठंडे थे और हल्का हल्का गीले भी थे। दोस्तों, यही वो गुफा है धनसार बाबा की। हम दर्शन करके बाहर निकल चुके थे, अंदर वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि अंदर बाबा बैठे हुए थे और वहाँ पे एक पुजारी जी थे और हमें निकलना था और वहाँ पे जगह बहुत कम थी। हम वहाँ से निकलने के बाद आ चुके थे वहीं पे बाहर बहते हुए पानी का मज़ा लेने के लिए। काफ़ी अच्छा दृश्य था, पानी एकदम क्लियर था, साफ साफ दिखाई दे रहा था और पत्थर बीच बीच में पड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं था इसलिए हम पत्थरों पे चल के उस पर घूम सकते थे। लोग काफ़ी घूम रहे थे और इस जगह का आनंद ले रहे थे। अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहेंगे, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।